और स्टूडेंट्स, सो हमें अभी तक ऑलरेडी दो ऑब्जर्वेशन कर लिए जिसमें हमने पाया कि साइन कोसेक का बिल्कुल उल्टा है, टैन कॉट का बिल्कुल उल्टा है, कॉस सेक का बिल्कुल उल्टा है। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि साइन और कॉस का एंगल के हिसाब से रिलेशन है, टैन और कॉट का भी एंगल के हिसाब से रिलेशन है और सेक और कोसेक का भी एंगल के हिसाब से रिलेशनशिप है। ओके, अब आते हैं कुछ और मेजर ऑब्जर्वेशन पे जो हमारे बहुत ही काम के होने वाले हैं और जिनको मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन में नाम दिया है फॉर्मूले, यानी बहुत सारे फॉर्मूले हम इसी चार से डिराइव करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम और कंफ्यूज हो और सोचें कि इसमें क्या हो रहा है, आइए टाइम जाया किए बिना हम इसको समझते हैं। और हम मैं पहला फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ और वो है जो टेन थीटा है, किसी भी एंगल में जो टेन की वैल्यू होने वाली है वो हमेशा साइन के उसी एंगल पे और कॉस के उसी एंगल के वैल्यू का अगर रेशियो ले लेंगे तो वो टेन थीटा के वैल्यू के बराबर आ जाने वाली है। So, आइए इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं। देखिए tan 30 पे जो वैल्यू है, tan 30 डिग्री पे, tan 30 डिग्री पे जो वैल्यू है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो वैल्यू sin 30 पे है और जो वैल्यू cos 30 पे है उनका रेशियो होना चाहिए। सो लेट्स वेरीफाई दिस। ओके, हमारा काम है इसको बार बार वेरीफाई करते रहना। आप अगर चीजों को वेरीफाई करेंगे तो आपके लिए फॉर्मूले को भी याद रखना बहुत आसान होगा। सो आइए देखते हैं sin 30 पे वैल्यू क्या है। sin 30 पे वैल्यू है आपकी 1/2, यहाँ पे लिख लीजिए 1/2। और जो cos 30 पे वैल्यू है वो है √3/2, इसको ऐसे लिखते हैं। अब अगर हम इसको बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो इस चीज का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2 डिवाइड बाय √3/2 डिवाइड बाय √3/2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, और हमने जो मैथमेटिक्स सीखा है और हमें अगर फ्रैक्शंस को काटना होता है या उनके बीच में सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो हमारा जो आइडिया होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन होना चाहिए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है वो भी इन्वर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास जो वैल्यू बची है 1/√3 की है। ये रेशियो आया है साइन 30/cos 30 का। क्या ये वैल्यू tan 30 के बराबर है? आइए चेक कर लेते हैं। tan 30 पे वैल्यू क्या है? 1/√3 लेंगे, यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल ही करेक्ट है। और ये सिर्फ एक ही एंगल पे नहीं है, ये आप किसी भी एंगल पे रख के देखेंगे तो जो साइन का किसी भी एंगल पे जो वैल्यू आएगा उसी एंगल पे जो कॉस का वैल्यू आने के बाद हम उनका रेशियो लेंगे तो उसी एंगल पे वो वैल्यू tan की शो कर रही होगी या उसके इक्विवेलेंट होने वाली है। सो ये हमारा फर्स्ट मेजर फॉर्मूला आया है हमारे थर्ड ऑब्जर्वेशन में कि जो tan थीटा है वो हमेशा sin थीटा और cos थीटा का रेशियो है। एक बार ध्यान रखना, जो थीटा है ये एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम किसी एक ही एंगल पे इन चीजों को 100% सही साबित कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद जो बात आने वाली है वो ये है कि आपको पता है कि जो tan थीटा है, हमारे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि जो tan थीटा है वो cot थीटा का बिल्कुल ही इनवर्स है, बिल्कुल ही इनवर्स है। जो tan थीटा है ये cot थीटा का बिल्कुल ही इनवर्स है, या फिर यू कहो कि जो cot थीटा है वो tan थीटा का बिल्कुल ही इनवर्स है। इसका मतलब ये हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखा था। तो अगर हमारा tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा / cos थीटा है तो हमारे जो cot थीटा का फॉर्मूला होने वाला है वो cos थीटा / sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही उल्टा होता है tan का। सो ये एक फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास यहाँ पे। ओके, सो इसको मैं जरा अरेंज मैनर में लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास इसके बाद और भी 3 फॉर्मूले हैं जिनको हमें यहीं पे लिखना है। ओके, सो आप आई होप सो समझ रहे होंगे, आपको बस ये चार समझना था जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश की थी। आप इसको रीड करना समझ जाओ, इनको ऑब्जर्व करना समझ जाओ, बस आपका काम आसान हो जाएगा। सो हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला बनाया वो था tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sin थीटा / cos थीटा, एंड सिमिलरली वी हैव cot थीटा एंड ये इक्वल होगा हमेशा cos थीटा / sin थीटा के। ओके, अब इसमें हमारा जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशंस फॉर्मूले हैं। ओके, ये फॉर्मूले हैं आपको जो काम आने वाले हैं बार बार। सो जो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है, देखो इसी फॉर्मूले में, वो है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा 1 के बराबर आने वाला है। इसका मतलब किसी भी एंगल पे मैं जो sin की वैल्यू लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा और उसी एंगल पे जो cos की वैल्यू होगी उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा और जब दोनों को सम करूंगा तो आंसर 1 आएगा। आइए फिर से इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई करते ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी एंगल पे, चलो इसको एंगल लेते हैं 60 डिग्री, तो जो sin 60 डिग्री पे जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे प्लस cos 60 डिग्री पे जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं sin 60 पे वैल्यू कितनी है। sin 60 पे वैल्यू है √3/2, लेकिन हमको इसका स्क्वायर करना है, प्लस
cos 60 पे वैल्यू कितनी है हाफ, तो हमको इस हाफ का भी स्क्वायर करना है। अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे तो 1 आना ही चाहिए, यही ये फार्मूला बताने की कोशिश कर रहा है। आइए देख लेते हैं करके इसको। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, यानी 3/4 प्लस अगर 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4। देखो आप कितना टेंशन में, आपको समझ रहा है ये 3/4 थे, ये 1/4 थे, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 3+1=4/4=1। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है जो मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूं, यानी ये जो फार्मूला है हमारा वो भी वेरीफाई हो चुका है। ओके, आप इसको किसी भी एंगल में रखेंगे तो आपका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं एक आध न्यूमेरिकल में, पर बच्चों ने उनका वैल्यू रख के फिर 1 लाया है। अगर आप उसको डायरेक्टली 1 लिख दोगे उस जगह पे तो भी आप 100% करेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है ऑलरेडी। सो अगर आप ये थर्ड फार्मूला भी समझ चुके हैं तो बाकी दो फार्मूले की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। तो देखिए इतना मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, अगर आपने उसको स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, क्योंकि 11th 12th में आप जाएंगे तो ये समझ लो ये आपका, अगर ये आपके छोटी सी नदी है तो 11th 12th में जो चीज आने वाली है वो ओशियंस और समुद्र के बराबर है, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। आपको बस इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है छोटी छोटी बातें, आगे जो फॉर्मूले होंगे वो काफी बड़े होंगे और काफी कॉम्प्लेक्स होंगे इससे। सो फिलहाल इनका बेस जो है उनको पकड़ के चलिए, आप समझिए कि क्या हो रहा है, बस इनको रट मत लीजिए कि सर साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा हमेशा 1 होगा, आप वैल्यू रख के दिखा दीजिए यार देखो आ गया 1। ओके, सो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके और दो फॉर्मूले क्या है वो भी देख लेते हैं। सो इसके बाद एक फॉर्मूला आता है 1+ tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमेशा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। देखिए ये फॉर्मूला अपनी जगह पे है, आपको बस यहाँ रखना है एक एंगल की वैल्यू यहाँ रखनी है और उसी एंगल को यहाँ रखना है और देखना है कि दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 30 डिग्री रखता हूँ, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1+tan²30 डिग्री और ये वैल्यू sec स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर। तो आइए देखते हैं tan स्क्वायर 30, पहले tan 30 कितना है, tan 30 है 1/√3। ओके, तो हम लिखेंगे 1+1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है और 1+1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 और ये नीचे 3 हो जाएगा, यानी 1+1/3। ओके, और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे यहां से तो हमारे पास आएगा 4। ओके, तो ये 4/3 आया है, यानी sec स्क्वायर 30 की जो वैल्यू आने वाली है अगर वो भी 4/3 आएगी, इसका मतलब ये वैल्यू भी सही है। तो sec 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3। देखिए यहाँ पे छोटा सा जगह है, sec 30 की जो वैल्यू है वो है sec स्क्वायर 30 निकालना है हमको, तो हमारा √2/√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4/3। देखिए मैच हो रहे, ये दोनों वैल्यू मैच हो रही है, यानी हमारे पास एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, 1+tan²θ जो भी होगा वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और ये हर बार ही वैलिड है, किसी भी एंगल पे आपको ये बार 100% प्रूफ मिलेगी, यही खासियत है ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स और इसके बिना आप इंजीनियर साइंटिस्ट बनने का सपना देख भी नहीं सकते हो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पूरे फिजिक्स और पूरे मैथमेटिक्स में रहती है, 11th 12th या इंजीनियरिंग करो, बीएससी करो, एमएससी करो। और सिमिलर एक फॉर्मूला बनता है 1+cot²θ जो होगा वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। आप इसको भी चाहे तो वेरीफाई करके देखिए किसी भी एंगल पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60, 90, 0, और ये वैल्यू सिर्फ इन्हीं, ये फॉर्मूले सिर्फ इन्हीं सिर्फ 5 एंगल्स पे वैलिड नहीं है, आपको किसी भी एंगल पे ले लो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 57 डिग्री, पर वो सब आपको 11th 12th में आएगा। फिलहाल आपको ये जो 5 स्पेशल एंगल्स है इन्हीं पे इनको पढ़ना है। तो अब हमारे पास और नए 5 फॉर्मूले आ गए। सो अब तक हमारे पास पहले 6 आए थे, फिर 6 आए और अब फिर से 5 आए, ये टोटल 17 फॉर्मूलेस हो गए हैं हमारे ऑब्जर्वेशन की मदद से। सो अगर आप ये समझ रहे हो तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और।